हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल सुश्री चैन। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी फेस्टिवल आ रहा है और एक बड़ा फेस्टिवल है हम लेडीज लोग के लिए, वो है सावित्री व्रत, जो कि हमारी ओडिशा का एक ट्रेडिशनल पूजा, ओडिशा की नहीं बहुत ही राज्य में ये वाला ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, लेकिन उसी का थोड़ा अलग अलग वर्सन में करते हैं। जैसे हमारा है सावित्री पूजा और यहाँ छत्तीसगढ़ में करते हैं बट सावित्री, एमपी में भी बट सावित्री का पूजा करते थे, तो अलग अलग जगह में अलग अलग हिसाब से करते हैं, लेकिन सेलिब्रेट तो करते हैं। और ये है एक उपवास वाला व्रत जो कि हर औरत अपने पति के लिए लंबी दीर्घायु के लिए पूजा रखते हैं। आप सब लोगों को तो पता है, ये ब्लॉग लाने का यही मेरा मोटिव है कि जो लेडीज अब नए नए शादी किए हैं तो उन लोगों के लिए ही ये वाला व्रत का कुछ मैं टिप्स लेके आई हूँ, और क्या क्या सामान यूज होता है पूजा में, और उसी के हिसाब से एक वीडियो में छोटा सा बना रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कह रखती हूँ, जो मेरे चैनल में नए आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, उसके द्वारा मैं बना हुआ हर वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन आप लोग के पास आराम से पहुंच जाएगा। और लाइक शेयर करना ना भूलना, ठीक है ना? तो ठीक है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं पूजा का सामान से, जो पूजा का सामान हमारे पूजा के लिए लगता है। तो पहले जो पूजा का सामान मैं आपको दिखाती हूँ ये है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारा जो पूजा के लिए जो यूज होगा वही वही चीज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले तो देखिए, ये है पूजा का सामान जो है, पित्तल का सामान तो रहता है, आपके ऊपर से है क्या क्या रखना है। फिर ये देखिए कलश, ये है दिया बाती, जो बाती ये है नया वाला दिया मिट्टी का। फिर ये कर्पूर और महू जो कि भगवान को चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप से हो या फिर पहले पंचामृत करने के लिए। फिर ये देखिए, ये है धागा, व्रत बोलते हैं हमारा सावित्री में, हमारा रेड कलर का व्रत पहनते हैं। और ये है सावित्री का बुक जो कि सावित्री व्रत में देखिए उड़िया में लिखा हुआ है, ये है सावित्री का व्रत का बुक जो है, इसको शंखा बोलते हैं उड़िया में। और होता है सिंदूर, देखिए ये सिंदूर और शंखा बहुत ही मेन होता है हमारे सावित्री के लिए, और आलता भी। और ये देखिए, ये भगवान को पहनाने के लिए वस्त्र जो कि हम लक्ष्मी और नारायण जी का फोटो रख के ना पूजा करते हैं तो उसके ऊपर चढ़ाने के लिए। और बस, और ये है अगरबत्ती और दिया, ये तो नॉर्मल चीज है, ठीक है इसको साइड करते हैं। और ये होता है, ये है भगवान जी का चढ़ाने के लिए, ये है उनके लिए फूल, तो इसको अभी साइड करते हैं। और लेडीज लोग का खास करके क्या क्या पूजा होते है वो मैं दिखाती हूँ। देखिए ये जो है, इसमें देखिए एक सेट आता है जो कि हमारी ओडिशा में मेन चीज होता है सावित्री में, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ जो कि पूजा होता है भगवान के पास। ये है काला माली और इसको पूजा करने के बाद लेडीज लोग पहनते हैं एक साल तक, फिर से जब एक साल दूसरा साल आ जाएगा सावित्री का उस साल वो वाला निकाल के फिर एक नया पहनेंगे। तो ये है आईना जो कि माँ के लिए, लक्ष्मी माँ के लिए पूजा होता है देखिए। और ये है काला टिक्का बोलते हैं भगवान के लिए। और ये तो शांति, और ये कुछ एक्स्ट्रा इधर मिला था तो मैं ले आई थी लेकिन। और इधर देखिए ये है रक्त जबा औलता, आलता बोलते हैं, तो ये होता है माँ लक्ष्मी माँ के पास चढ़ाया जाता है, मेन होता है यही सब चीज, तो इसको मैं रख देती हूँ। इसमें देखिए पूरा का पूरा सेट है, जैसे आलता पाउडर मिरर और ये कंगी और काला माली शैम्पो मेहंदी क्या क्या दे दिए, कुछ बकुल है और ये है श्रृंगार करने के लिए, ये पूरा लेडीज लोग के हिसाब से सेट, इसके इधर जैसे मनाते होंगे इसके हिसाब से दिया है पूरा सेट। और ये सेट को लिया था 50 रुपीज। उसके बाद आते हैं हमारा मेन होता है चूड़ी जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, देखिए कितना सारा चूड़ी मिलाई हूँ। और देखिए क्या होता है ना, हम सावित्री में एक साथ चूड़ी पूजा कर देते हैं और साल भर पहनते हैं, यही होता है ओडिया का खास।
खासियत। और ये किलो तो देखिए ये वाला भी जो भाभी ने भेजे थे, ये है पानी चूड़ी। पानी चूड़ी ही पहनते हैं और कोई चूड़ी भी हम लोग शादी के बाद नहीं पहनते हैं। हाँ, आजकल तो सब पहनते हैं तो चल जाता है अलग अलग डिजाइन का, लेकिन खास करके ज्यादा पानी चूड़ी पहनते हैं। और इसके बाद मैं लाई हूँ देखिए मेहंदी। मेहंदी तो वैसे इतना जरूरी नहीं है कि मेहंदी करना होता है हमारे सावित्री व्रत में उड़िया में, लेकिन आजकल का ट्रेडिशन है, सब कोई कुछ ना कुछ ऑकेजन होता है तो लेडीज लोग मेहंदी लगाते हैं, तो इसलिए मैं मेहंदी लाई हूँ। और ये देखिए एक और एक चूड़ी, और ये है मेरा देखिए सावित्री का एक ये स्टोन वाला चूड़ी, और ये है मेरा झुमका साड़ी के साथ, और देख लीजिए ये है मेरा सावित्री का साड़ी जो कि पूजा होता है, ये कॉटन साड़ी। देखिए इसके अंदर पेटीकोट है, और ये है ब्लाउज पीस। देखिए कॉटन साड़ी खास करके सावित्री में बहुत लेडीज फॉलो करते हैं पहले पूजा के टाइम। मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है सावित्री में कॉटन साड़ी पहनने के लिए, और इसलिए ये है मेरा साड़ी। और मेकअप सामान देख लीजिए, मेकअप सामान इसलिए दिखा रही हूँ ना, जो नए नए शादी करके दुल्हन होते हैं ना बहुत सजते सबरते हैं, पहला साल होता है उन लोगों का, तो उन लोगों के लिए थोड़ा टिप्स हो जाएगा। तो मेकअप के लिए मैं रखी हूँ कंघी पूरा सिंपल, और एक जैसे फेस पाउडर और जो भी क्रीम आप यूज करते हो, उसके बाद काजल, मस्करा, लिपस्टिक और लिप लाइनर, और ये है आईब्रोज पेंसिल, और ये है नेल पॉलिश, और ये है थोड़ा बिंदी। तो सावित्री का व्रत तो बहुत ही जल्दी आ रहा है, बहुत ही कम दिन बाकी है अभी, तो मैं भी पूरा रेडी हो जाऊंगी और जरूर आप लोगों के साथ वीडियो सेंड करूंगी। तो मैं तो सावित्री व्रत के लिए तैयारी स्टार्ट करती हूँ, और ये सब सामान तो आप लोगों ने देख लिया मैं क्या क्या लाई हूँ और क्या क्या चीज पहले से था और कैसे पूजा करते हैं। तो जो नई दुल्हन होती है उन लोगों के लिए थोड़ा कुछ शायद हेल्प हो जाए, इसलिए मैं बता रही हूँ। और बहुत सारे फ्रूट्स होता है जो कि हमारे सावित्री के दिन ही हम प्रसाद चढ़ाते हैं, वो वाला तो उसी दिन ही पता चलेगा क्या आएगा, पहले से तो नहीं बता सकते। और मैं पिछले साल सावित्री में भी सावित्री व्रत पूजा का एक ब्लॉग डाली थी, लेकिन वो ओडिया लैंग्वेज में था, आपको अगर देखना है तो जाके देख सकते हो मेरा चैनल में, सुश्री चैन में ही है, सावित्री पूजा विधि बोल के ऊपर लिखा है। और मेकअप सावित्री का एक मेकअप वाला वीडियो भी पिछले साल में डाली थी, जैसे सिंपल वाला जो बहू का मेकअप होता है। अगर आप चाहते हो कि इस साल भी कुछ मेकअप का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो प्लीज मुझे बताइएगा इसी ब्लॉग में कमेंट करके कि कुछ सावित्री के लिए मेकअप चाहिए, तो मैं जरूर आप लोगों के लिए बनाऊंगी। और आशा करती हूँ कि आपको आज का ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, कमेंट में बताना आपको कैसा लगा आज का ये ब्लॉग, ठीक है ना। तो ठीक है, मैं यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल।